करने की अलग ही तरीका था। एक बार मैंने खुद देखा अपने होश आवास में, सुप्रे जब एक बार मैंने देखा कि रात को किसी के यहाँ पर पुलिस वाले आए और उसके बेटे को उठा के ले गए, मतलब उसको व्यक्ति किसी ने मतलब नाम लगा दिया कि जी ये किसी ने मतलब कोई कांड करा कि जी ये उसके साथ था, तो कोई भी उनके साथ नहीं आया। तब मास्टर जी के पास लोग आए, चार पांच जने आए, बलबीर नगर के नाले की बात है, गंगमट 16 की। तब उन्होंने कहा कि मास्टर जी के दरवाजे खटखटाए रात को 11 बजे, तो मास्टर जी आए। मास्टर जी ने कहा क्या बात है बताओ, कह रहे हैं वो कह रहे मास्टर जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे बच्चे को पुलिस वाले लेकर चले गए और कह रहे हैं आप वही बंद करेंगे, कहते चलो मैं चलता हूँ। तभी उन्होंने साथ गए और हमारे पिताजी श्री सुखबीर सिंह उनको भी साथ लिया, उनकी एक अपना टीम थी, और उसी वक्त वो अपने ये गाड़ी निकाली और शादरे थाने चले गए। थाने जाके उन्होंने SHO को बात करी और उन्होंने कहा कि इस बच्चे की कमी बताओ, क्या इसने चोरी करी, क्या ये पकड़ा गया या कोई बात है, तो इसको अभी बंद करो और 4 थप्पड़ मारो, जेल भेज दो। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने बोला था कहीं किसी को, मैं कह रहा हूँ कि बुलंद आवाज थी। उन्होंने एक मिनट में कहा अगर इस पे कोई आरोप नहीं है तो आपने किस उस पे बंद कर दिया। बड़ा अच्छा लगा, ऐसे नेता कहाँ मिलते हैं। और जो विकास है, अब मैं आप बलबीर नगर की रेल थी और उनके ये कांग्रेसी नेता में ख्याल थे और ये समझो कि टिकट की उनके दावेदारी थी, कई बार तो उन्होंने कहा मैं मधुबनी लड़वा में विश्वास करता हूँ, ये उनकी मान्यता थी। और ये अपने बच्चों से ज़्यादा समाज को समझा, मुझे साथ ले जाया करते थे ब्राह्मण सभा में, जब ये विकास परिषद बनाई थी घर पे आते थे और इतना रिश्तेदारी का वो फर्ज निभाते थे कि जहाँ की बहन बेटी हो वहाँ के घर का पानी भी नहीं पीते थे। अभी जब उनका स्वर्गवास पर लोग सुधारे, 2 हफ्ते पहले घर पर आए थे, थोड़ी आवाज़ भी हल्की निकल रही थी उनके, तो आकर के मामा जी आ जाओ अपना अंदर आइए, बोले नहीं मैं अपना काम में चलना है, अरे आप तो बीमार हैं अपने कहाँ चलेंगे। कुछ दिन पहले रामनगर में ब्राह्मण समाज उनकी सब जगह हर जगह और हम तुरंत चलने चल का मना था मेरे साथ, उनकी ख्याति फैली और ऐसे तो मैं घर से डेली निकलती थी तो उनका जी बाहर बैठे रहते थे चेयर पे, तो
तो मेरे टैग लगा रहता था वजन घटाओ वजन बढ़ाओ अच्छी सेहत पाओ। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा मेरे को भी सेहत अच्छी करनी है, मुझे ऐसा करते है कि मेरा बचपन दोबारा आए। मैं कहा अंकल जी हो जाएगा, जैसे कि आपने सुना होगा कि उम्र बचपन की और दिल बचपन का। बड़े खुश हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने उन्हीं से बात करी थी और मुझे अच्छा लगा। और दो लाइनें मैं भजन के तौर पर को कहना चाहूँगी, आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा साथ दीजिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं। यूं तो रोज हजारों जन्म लेते हैं इंसान, अपनी तकदीर के रंग को भरने को मेरा भगवदास जी अपनी एक ऐसी मेरा परिचय उनके बाद पुराना परिचय रहा है, असल में काशी से मेरा काशी में यदि यंग अवस्था भी नहीं कह सकते उनकी, तो यंग से कम नहीं है। काम को एक इनिशियली लेना, काम सभी करते हैं, काम की गहराई में घुस के काम करना और बड़े मजे के साथ काम करना, हर काम को एक मनोरंजन के तौर पर करना, ये देखना है। तो यही वक्त याद आता है काशी में टीचर से इस टाइम की मैं टीचर नहीं था, एमएच कॉलेज का बुला भाई साहब के सामने टीचर, भाई साहब की टीचर टाइम की बड़ा राजनीति का शौक रहा है। टीचर की स्टाइल में ना टीचर होते हुए भी मैं कम से कम बोर्ड के लगभग 5-6 बार गया और जिनमें से 4 दिन मुझे सोना है भाई साहब के साथ जाने का मिला। मैंने अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया हुआ था, सब लोगों के साथ मिला और प्रकार संबंध खाने खिलाने के बड़े शौकीन, साल में 2 साल में एक बड़ी सी दावत करना उनकी आदत बन चुकी थी, शिक्षक के रूप में उनकी बड़ी सेवाएं रही, सामाजिक तौर पर आए जो व्यक्ति इसी संस्था का 18 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष बना रहे और लोगों के बीच में उनकी ख्याति को दर्शाता है। देश बोर्ड के कार्यकाल में जरूर पूरा होगा। मैं अपनी तरफ से अपनी संस्था अखिल भारतवर्ष ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से, हमारे साथ साथ जिला विधानसभा टीमों की तरफ से, मैं भगवदास जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें प्रेरणा स्वरूप हम लोगों को पारदर्शक के रूप में हमेशा बनाते रहे, उनकी छवि हमारे हृदय पर अंकित रहे ताकि हम इसे इंस्पायर हो सके सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुक्रिया। जरूर कमी थी ए आसमान, तेरी फितरत में जरूर कमी थी।
वरना एक मुन्ना मिलता मिलाकर सितारों में। तो इनको देख के ये शब्द मुझे पता लगा। और की बात है, महापुरुषों को इन्होंने मिलाया, साठ फुटे पे महापुरुषों को उन्होंने बुलाया, महाराज जी को, मैं नाम ध्यान से उतर रहा है। तो आधे लोग उस तरफ थे, आधे लोग इस तरफ थे। बड़ा भव्य देखने का वो था कि एक दो मिलन, जैसे कहते हैं राम और भरत का मिलन, ऐसे दो महापुरुषों को उन्होंने मिलन में गुरु खाने का पीड़ा उठाया था। और हम इस तरफ से जाते हैं, वहां तक गुरु की वर्षा हुई।